हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक सेंसर को एक सेंसर मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी सेंसर होते हैं ये एक तरीके के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब वोल्टेज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स टेम्परेचर है, गैस है, लाइट है, इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज की फॉर्म में। जनरली सारे सेंसर एनालॉग सेंसर्स होते हैं जब तक कि वो एक मॉड्यूल में ना कन्वर्ट किए जाएं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक आईआर सेंसर का। ये है आईआर रिसीवर, ये एक तरीके का एनालॉग सेंसर है। एनालॉग सेंसर क्यों है? इसके ऊपर जितना भी इंफ्रारेड कंटेंट पड़ेगा उतना ज़्यादा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज आता रहेगा जितना ज़्यादा इंटेंसिटी में इसके ऊपर इंफ्रारेड लाइट पड़ेगी। ऐसे ही ये हमारा LDR सेंसर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसके ऊपर जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो अब हमें कहीं पर A to D कन्वर्टर ना लगाना पड़े इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपली हमें एक हाई और लो के फॉर्म में अगर आउटपुट चाहिए तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मॉड्यूल में। और मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली एक कॉम्परेटर लगा सकते हैं। तो किस तरह से कॉम्परेटर इसमें लगाया जाता है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में एक हमने कॉम्परेटर इस्तेमाल किया है। कॉम्परेटर में एक आउटपुट है, एक इन्वर्टिंग है, एक नॉन इन्वर्टिंग है। ये है कॉम्परेटर LM358 डुअल कॉम्परेटर है। दो कॉम्परेटर होते हैं इसके अंदर। इसमें हमने एक दिया हुआ है V रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर 2.5 वोल्ट जनरेट किया, 2.5 वोल्ट जनरेट किया। ऊपर दिया 5 वोल्ट, यहाँ 10-10 के दो रेजिस्टेंस लगा के उनको ग्राउंड कर दिया। तो जो मिड पॉइंट है वहां में 2.5 वोल्ट मिल जाएगा। ये हमने दे दिया इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। अच्छा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम अपना सेंसर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये IR सेंसर है, तो हमारा ये IR सेंसर है। IR सेंसर का ये सिंबल होता है, ऊपर 5 वोल्ट दिया हुआ है, नीचे ग्राउंड दिया हुआ, मिड पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया। जब तक इंफ्रारेड कंटेंट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक यहाँ का वोल्टेज यहाँ नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही इंफ्रारेड कंटेंट यहाँ पर पड़ा और एक लिमिट से ऊपर पड़ा तो यहाँ का वोल्टेज 2.5 वोल्ट से ऊपर निकल जाएगा। जैसे 2.5 वोल्ट से ऊपर निकला नॉन इन्वर्टिंग वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा और आउटपुट पे एक हाई सिग्नल मिल जाएगा। हाई सिग्नल मिलते ही हमारी एक LED ब्लिंक कर जाएगी और बजर बज जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमको LDR लगाना हो, जैसे ये LDR का सिंबल है, सेम तरीके से हम LDR को लगा देंगे। ये मिड पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस LDR में। ऐसे ही गैस सेंसर काम करता है। गैस सेंसर का जो हमारा आउटपुट है उसको हम यहाँ जोड़ देंगे। सेम तरीके से हमारा PIR सेंसर काम करता है। PIR सेंसर में एक VCC होता है, एक ग्राउंड होता है और एक आउटपुट होता है। तो जो भी आउटपुट वाली पिन है उसको उठा करके हम इस ओपैम पे जोड़ देंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर और हमें आउटपुट मिल जाएगा जब भी इसके ऊपर सिग्नल आएगा। अच्छा, अब इसको चलाने के लिए ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इसमें इसको ऑपरेट कराने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने के लिए एक PP3 कनेक्टर ले लिया। इस कनेक्टर को हमने जोड़ दिया इस कैपेसिटर से। अगर ये बैटरी ना होती, इसकी जगह पे हम किसी ट्रांसफार्मर से सप्लाई देते तो हमें इस डायोड की जरूरत पड़ती और सप्लाई हम डायोड पे देते। तो हमने अभी फिलहाल डायरेक्टली दे दिए कैपेसिटर पे। इसके बाद 7805 पे, जो कि इस 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। इस 9 वोल्ट के सिग्नल को 5 वोल्ट के सिग्नल में कन्वर्ट करेगा क्योंकि IC हमारी 5 वोल्ट पे चल रही है। अच्छा, इसमें से कुछ रिपल्स आते हैं, उसको हटाने के लिए फर्दर हमने एक और कैपेसिटर लगा दिया 10 माइक्रोफेरेड का। यहाँ पर पावर इंडिकेशन के लिए ग्रेड LED लगा रखी है और ये LED खराब ना हो उसके लिए करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगा रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं 10-10 किलो ओम के। ये वाले रेजिस्टेंस हैं 10 किलो ओम के। यहाँ पर हमने LDR लगाया हुआ है, या यहाँ पर अगर हम इस वाले को देखें तो हमने एक IR सेंसर लगाया हुआ है ऊपर, और इसके नीचे ये वाला 10K का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और इसको नीचे से ट्रैक के थ्रू हमने इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से जोड़ दिया। अच्छा, डिवाइडर वाले को इन्वर्टिंग से जोड़ दिया। ये इसका आउटपुट है पिन नंबर 1। पिन नंबर 1 पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा के LED लगा दी ये वाला, और ये बजर हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। नीचे से ये इसके आउटपुट से ही कनेक्टेड है। अब जैसे ही इस सेंसर को इसका इनपुट मिलेगा, दैट मीन्स कि अगर ये IR सेंसर है तो जैसे ही इंफ्रारेड कंटेंट पड़ेगा तुरंत इसका बजर ब्लिंक करेगा। इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो ये ब्लिंक करेगा, इस पर गैस पड़ेगी तो ये ब्लिंक करेगा। सेम हमारा जो ये IR सेंसर है इसको हम फायर सेंसर की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो फायर होती है उसमें पहले तो एक इंफ्रारेड
कंटेंट होता है, देन एक विजिबल रे का कंटेंट होता है, देन अल्ट्रावायलेट होता है। तो अगर कहीं पर फायर होती है तो इस सेंसर पर उस फायर का इंफ्रारेड कंटेंट पड़ेगा और उस केस में भी ये आउटपुट देगा हमें, तो इसको हम एज अ फायर सेंसर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेंसर्स को एक सेंसर मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं।